दोस्तों नागिन सीजन 4 का नया प्रोमो सामने आया है, जहां पर वृंदा फ्यूचर देखती है और किस तरीके से लाल टेकरी वाले मंदिर का राज खोलने की कोशिश करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों अगर हम बात करें नागिन सीजन 4 के बारे में, तो हाल ही में वृंदा यानी कि निया शर्मा ने कुछ ऐसा सपना देखा या फिर कुछ ऐसा फ्यूचर देखा जिसके बाद से वृंदा सोच में पड़ जाती है। हाल ही में नागिन सीजन 4 का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में वृंदा यानी कि निया शर्मा जो है वो फ्यूचर देखती हैं, वो चलती रहती हैं, अचानक से उन्हें कुछ हो जाता है और वो फ्यूचर देखती हैं कि लाल टेकरी वाला मंदिर जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है और कोई बड़ा सा नाग वहाँ पर बैठा हुआ। क्या ये किसी नए नाग की आने की आहट है या फिर यूं कहें कोई नई नागिन आने वाली है शो में? शो के प्रोमो को देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शो में हो सकती है एंट्री सुरभि ज्योति की, जो कि नागिन सीजन 3 की नागिन रह चुकी है यानी कि बेला। दोस्तों हो सकता है कि बेला जो है शो में वापस आ रही हो और यही कुछ देखा हो वृंदा ने अपने इमेजिनेशन में या फिर यूं कहें फ्यूचर में। वेल आपको मैं बता दूं कि लाल टेकरी वाले मंदिर का राज बहुत ही जल्द खुलने वाला है और साथ ही साथ विशाखा का यहाँ पे दी एंड होता हुआ भी आपको नजर आ जाएगा। तो वहीं पे शकाला जो है पूरी कोशिश करेगी वृंदा और देव के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगी और इसी के साथ साथ पूरा परिवार जो है शकाला से मिला हुआ होता है, लेकिन वृंदा किसी न किसी तरीके से देव को अपनी बाजू खींच लेती है। वेल ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलने वाला है शो के अपकमिंग ट्विस्ट में। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि शो में लाल टेकरी वाले मंदिर का राज भी खुल जाएगा और लाल टेकरी वाला मंदिर टूट जाएगा, तो वहीं से हो सकता है बेला की एंट्री शो में आपको दिखाई जाए। प्रोमो देख के दोस्तों ऐसा ही लग रहा है कि शो में तीसरे नागिन की आहट आ चुकी है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप नागिन सीजन 4 के अपकमिंग ट्विस्ट को देखने के लिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।